कांग्रेस के राज में सिलेंडर आपका 350 रुपए था। स्मृति ईरानी इतनी नौटंकी करती थी, इतनी नौटंकी करती थी कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज स्मृति ईरानी की जीभ कट गई है, गुंगी हो गई है, बैरी हो गई है, अंधी हो गई है, लंगड़ी लूली हो गई है। आखिर क्या है ऐसा जो स्मृति ईरानी की जवान नहीं है, डर के माले नहीं बोल रही है, मंत्रालय छीन लिया जाएगा। गरीबों का दर्द समझती है तो सिर्फ कांग्रेस समझती है। आज तक गरीबों को अगर ऊपर तक लाई है तो कांग्रेस लाई है। भाजपा के लोग तो जब से आए हैं, भाजपा के लोग हो गए हैं पागल। चाहे भाजपा के मंत्री हो, चाहे रवि किशन हो, ये लोग सत्ता में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। भाजपा के लोग हो गए हैं पागल, भाजपा के यंत्री मंत्री ये सब हो गए हैं पागल। कांग्रेस के राज में बिजली कम थी इसलिए बच्चे पैदा ज्यादा हुए, जनसंख्या ज्यादा हुई। तो जब बच्चे पैदा होंगे तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी या आकाश से टपकेगी। तो ये भाजपा के लोग पागल हो चुके हैं बिजली से। कैसे कह रही है? सत्ता में है तो क्या पागलों जैसी हरकतें करेंगे क्या? मंत्री हैं पागल हो चुके हैं, वो सत्ता के इतने अंधे हो चुके हैं कि वो पागल हो चुके हैं। अच्छा, भाजपा के लोग पागल हो चुके हैं। उनको रविशंकर ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी बोला, हाँ रवि किशन ने, उन्होंने भी कुछ दिन पहले बोला था कि कांग्रेस के जमाने में हमारे इतने बच्चे हो गए। अगर ये नहीं बोला था, उन्होंने कहा था उनके 4 बच्चे कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन। अब बताओ कांग्रेस से क्या मतलब है? इसका मतलब वो अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहे हैं। कांग्रेस की देन है तो कांग्रेस के लोगों ने बच्चा पैदा किया क्या उनकी बीवी को? कानून नहीं लाई थी ना कांग्रेस। देखिए ये भाजपा के लोग हो गए हैं पागल। चाहे भाजपा के मंत्री हो, चाहे रवि किशन हो, ये लोग सत्ता में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। हाँ। ये पागल हो चुके हैं। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा। कि हम बोल क्या रहे हैं। हाँ। अभी होली से पहले 50 रुपए सिलेंडर का बढ़ा दिया गया। पब्लिक इतनी परेशान है, पब्लिक इतना त्राही त्राही मचा रखी है कि पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक क्या करे। अगर पब्लिक रोड पे आती है तो पुलिस वाले, आप जैसी औरतों के लिए महंगाई हुई है, केवल जनता के लिए नहीं हुई है मैडम। जनता तो कागज चून के रोटियां बना रही है। आप लोग एक बार एरिया में तो जाओ, गरीब लोगों में तो जाओ। हाँ। नेताओं का क्या है? हाँ। मोदी जी का क्या है, अमित शाह जी का क्या है, या भाजपा के यंत्री मंत्री का क्या है? अगर गरीबों का दर्द समझती है तो सिर्फ कांग्रेस समझती है। अच्छा। आज तक गरीबों को अगर ऊपर तक लाई है तो हाँ। कांग्रेस लाई है। भाजपा के लोग तो जब से आए हैं समझती है। कांग्रेस के राज में भी तो महंगाई थी, तभी तो सत्ता बदली है, भाजपा आई है। कांग्रेस के राज हाँ। में सिलेंडर आपका 350 रुपए था। हाँ। स्मृति ईरानी इतनी नौटंकी करती थी, इतनी नौटंकी करती थी कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज स्मृति ईरानी की जीभ कट गई है, गुंगी हो गई हैं, बैरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, लंगड़ी लूली हो गई हैं। आखिर क्या है ऐसा जो स्मृति ईरानी नहीं है ना? स्मृति ईरानी की जवान नहीं है, डर के माले नहीं बोल रही है, मंत्रालय छीन लिया जाएगा। मैं कह रही हूँ कि स्मृति ईरानी की औकात नहीं है। अच्छा। कि वो हकीकत बोल दें कि आज महंगाई मंत्री है वो चमची है नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के डर के माले कोई अंतरी मंत्री नहीं बोल सकता। स्मृति ईरानी की औकात नहीं है, उस नचनिया की, ड्रामेबाज की, उसकी औकात अच्छा। नहीं है कि वो हकीकत बता दे। हाँ। कि महंगाई से पब्लिक परेशान है। तो आप भी उनकी होंगी ना? मैं तो शुरू से फैन नहीं थी। जब उनसे तो नफरत हम लोग तभी करने लग गए थे कि जब वो अपनी सहेली के पति को अपना पति बना लिया, उसको बेचारी को रोड नहीं देखते थे। और उस नौटंकी का आज देख लिए, दाल तेल चावल आटा जितना कुछ था सब महंगा। गरीब आदमी खून की आंसू रो रहा है। अगर गरीब आदमी रोडों पे निकलता है पब्लिक लाठी चार्ज करेगी, वो डर के माले घर में बैठेंगे, थाने में बंद कर देगी। नेता बोलेगा तो नेता के ऊपर केस दर्ज होगा, ईडी छापा डालेगी, सीबीआई छापा डालेगी। डर के माले कौन बोल रहा है? ये तो तानाशाही वाला है। राहुल जी के लिए ऐसे चिल्लाती है जैसे कोई कुत्ता पागल हुआ हो। स्मृति ईरानी ऐसे भोंकती है, ऐसे भोंकती है, बस वो एक बार सामने आए, पब्लिक भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी तुम कहाँ छुपी पड़ी हो, आज तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो ने। तो ये भाजपा की इनकी औकात नहीं है कि ये भाजपा के नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच्चाई बोल दें। अच्छा। इनका मंत्रालय सुबह चला जाएगा इस समय बोल कर दे। देखें स्मृति ईरानी जनता के सामने वोटों की अपील करने के लिए कह रही है। वोट की अपील आप करें ना अपील, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये लोग घोटाला करते रहेंगे। मैं कह रही हूँ कल अगर पेपर से चुनाव हो जाए बैलेट पेपर पे तो देख लेना आप, कांग्रेस 100% आएगी। वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ टाइट हो जाते हैं लोग वहाँ इनका ज्यादा नहीं चल पाता। अच्छा। जहाँ पब्लिक ईवीएम कांग्रेस लाई थी, लेकिन कांग्रेस ईमानदारी की सरकार चलाती थी, इस तरीके की तानाशाही की सरकार नहीं चलाती थी। ईमानदारी की बात कर रही, ईमानदारी की चलाती थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी घर, आप ईमानदारी की बात, तो जब प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब फुल बहुमत से जीती थी। हाँ। तो अटल बिहारी को उन्होंने विपक्ष का लीडर बनाया था। हाँ। अपने मंत्री को हटा के बनाया गया था। हाँ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि आसपास तक कोई नहीं दिखना चाहिए। हाँ। जितना गुंडा राज है मैं करूं,
मेरे लोग करें, कांग्रेस के लोग कहीं दिखना नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा तो है कि मैं अकेला सब पे भारी, तो राहुल गांधी ने भी मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए। राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि जो करना है, जितना ईडी भेजना भेजो, छापा डालना है डालो, जो करना है करो। राहुल गांधी तो जाके बाहर विदेशों में भारत का नाम खराब कर रहे हैं। क्या नाम खराब कर रहे हैं? मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भारत का नाम खराब किया था। विश्व गुरु बना दिया आपने। विश्व गुरु होंगे भाजपा वालों का, विश्व गुरु होंगे मीडिया वालों का, बाप होंगे मीडिया वालों का, बाप होंगे जो भाजपा वालों का नहीं, जो हाई फाई मीडिया है वो मीडिया उनकी हर चोरी को, हर गद्दारी को, हर बेईमानी को, हर घटिया हरकतों को छुपा लेती है। मीडिया की औकात नहीं है, मैं कह रही हूँ मीडिया की औकात नहीं है कि मीडिया दिखा दे। क्या दिखा दे मीडिया? मीडिया सच्चाई दिखाई नहीं दी। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि उन्होंने आलू, तेल, सब्जी, पेट्रोल, लाल किला, आपका जो सरकारी जितने प्रॉपर्टी थी सब बेच डाले। अब इससे बढ़िया काम और क्या करेंगे? अब क्या बचा? वित्त मंत्री ने कहा तो था पहले कि महंगाई नहीं है देश में, महंगाई है। ये तो देखो, वित्त मंत्री को शर्म आनी चाहिए। वित्त मंत्री कल कह दें कि हम लोग खाना ना खाएं तो खाना नहीं खाएंगे? वित्त मंत्री कह दे कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? माननी चाहिए, वित्त मंत्री है। ऐसे वित्त मंत्री ना जाने कितने आए और कितने गए, इनकी भी टाइम पूरा हो जाएगी, ये भी चलती बनेगी। हाँ, ऐसे लोगों को हम लोग कुछ नहीं समझते। भाजपा लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। भाजपा राहुल गांधी से डरती है। एक राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं, मैं कह रहा हूँ को सत्ता में है लेकिन पसीने छूटते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी से छूटते हैं, बाकी वो किसी को कुछ समझते नहीं। कैसे बात करनी, पसीने क्यों छूटेंगे? पहले पप्पू कहते थे राहुल गांधी को और आप कह रही हैं पप्पू तो हो गए नरेंद्र मोदी। अच्छा। पार्लियामेंट में मंत्री ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, पप्पू राहुल गांधी नहीं है, प्रधानमंत्री पप्पू है। पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, तो जो पप्पू है वो उनके ऊपर ही अफसोस। पद की गरिमा उन्होंने क्या? स्मृति ईरानी हमारे मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तो चूड़ी लेके घूमती थी, वो पद की गरिमा देखी थी? आज कहाँ वो छुपी पड़ी है? आज चूड़ा नहीं लेके घूम रही है मनमोहन मोदी के लिए क्या? नरेंद्र के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चूड़ा नहीं है क्या? चूड़ी नहीं है क्या? स्मृति ईरानी को हम लोग माने जब कि जब वो महिलाओं के पक्ष में है, बेटियों के पक्ष में है, जो उनके अंदर हकीकत बोलने की दम हो, वो तो डर के माले छुपी पड़ी है। मैं कह रही हूँ बार बार उनकी औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या सच्चाई वो मीडिया के सामने बोल दें, कल उनका मंत्रालय चला जाएगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए दुनिया भर का फ्रॉड बातें कर गई, अपनी बेटी को बचाने के लिए कहते हैं गौ रक्षा, गौ माता, तो वहाँ उनके होटलों में क्या होता था? प्रूफ नहीं हुआ ना अभी। क्यों नहीं प्रूफ हुआ? अरे भाई, जिसकी सरकार है वो तो जो मर्जी कर दे, लेकिन अडानी का देख रही है ना? अडानी का देख रही है ना? सिर्फ हमारी एक जगह सरकार आई हिमाचल में, अडानी की औकात, अंबानी की औकात सामने आने लग गई। अपनी सरकार से जोड़ रही है, उनकी औकात सामने आने लग गई ना? अच्छा। मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं, 10-20 राज्यों में अपनी आ लेने दो सरकार, इनकी सारी हकीकत पब्लिक के सामने आ जाए। ये भी हम हटा दें, जनता अभी इनको इनकी औकात दिखा देगी। सर्वे किस मीडिया किसकी है? मीडिया किसकी है? किसी की नहीं है। मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अमित शाह की है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो बड़ी बड़ी मीडिया वो बिकी हुई है। मीडिया वालों की औकात नहीं है कि वो सच्चाई सामने ला दें। ला के दिखाएं, अभी शाम को ईडी बैठ पहुंचेगी, लेकिन अभी शाम को छापा डलेगा। अपने तरीके से काम कर रही है मोदी जी के इशारे से बहुत कुछ हो रहा, पूरा देश बिकता जा रहा है। लाल किला बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सरकारी संपत्ति बिक गई। बिका नहीं है कुछ, लीज पे दिया है। बेची तो रहे हैं, कितने दिन के सालों के लिए लीज पे दे रहे हैं? कितने सालों के लिए लीज पे दे रहे हैं? उनके बाप की संपत्ति है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की पर्सनल संपत्ति है क्या? उनके बाप की संपत्ति है क्या जो वो बेचते जा रहे हैं? पर्सनल ना जाए मैम किसी के। नहीं, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री को मैं पर्सनल कह रही हूँ, उनके बाप की संपत्ति है। पहले चाय बेच रहे थे, चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच डाल रहे हैं, उनकी पर्सनल संपत्ति है। जिस स्टेशन का नाम उन्होंने लिया कि मैं वहाँ चाय बेचता था, वो तो स्टेशन बाद में बना, तो चाय कहाँ बेचे? छोटे छोटे काम करते हो बोले। उन्होंने क्या बोला कि मैं 30 साल तक भिक्षा मांग के खाया। ऐसे प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। सांड सा आदमी, 26 इंच का सीना, वो भीख मांग के खा रहा है तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया गया कि जो 30 साल तक भीख मांग के खाए। शौचालय बना रहे हैं, शौचालय ही खाए। सिलेंडर कितना दिए? सिलेंडर 1130 रुपये हो गया और कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 350 रुपये था। वो फ्री दे रहे हैं सिलेंडर। आज गरीब आदमी खून की आंसू रो रहा है। आपको मिला?
जो मजबूरी है सबकी, सभी ले रहे हैं। अच्छा मतलब आपने 1130 रुपए का सिलेंडर भराएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे? फ्री तो किसी को दिया ही नहीं। 1130 रुपए का अगर सिलेंडर नहीं भराएंगे तो खाएंगे कहाँ से? किसको फ्री दिए हैं नरेंद्र मोदी? कहाँ है जनता, आप जैसे लोगों के लिए? मैंने क्या बोला? अभी एरिया में पब्लिक निकल जाए, पुलिस वाले उनको डंडे मार के लठ मार के थाने के अंदर, तो पब्लिक बेचारी की इतनी हिम्मत नहीं है। फैक्ट्री में ड्यूटी करने वाले, कोठी में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, वो बेचारे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है रोडों पाने के लिए। वोट तो देते हैं ना? वोट नहीं देते, ये सब भाजपा वालों की बेईमानी है। अच्छा। सब